हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ एक गेट रेडी विद मी वाला व्लॉग लेकर। तो आज ही भी एग्जाम खत्म हुए थे, तो चलो एग्जाम खत्म व्लॉगिंग शुरू। तो चले चलते हम लोग। तो फर्स्ट चलो फेस वॉश करके आते हैं, पर उससे पहले मैं अपना हेयर टाई कर लूँ। तो अभी मैं फाइनल फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे रेडी होने वाली हूँ क्योंकि मम्मा वहाँ कपड़े प्रेस कर रही है। तो चलिए रेडी होने चलते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट लगाने वाली हूँ वाइट टोन का मॉइस्चराइजर। तो अभी मैं इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि मुझे कोई ब्रश की जरूरत नहीं है गाइस, मेरा हाथ ही काफी है। तो अभी मैं अपने बेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूंगी। तो आज मुझे एक सिक पर्सन को विजिट करना था, तो मैंने ऐसा नो मेकअप लुक ही किया था। तो मैंने एक थिन लेयर कॉम्पैक्ट का इवनली अपने फेस पे लगा दिया जस्ट टू सेट द बेस। एंड नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कभी मत भूलना। अब मैं यूज करने वाली हूँ हिलारी रोडा का आईब्रो फिलर। तो पहले मैं आईब्रोज को ब्रश आउट कर लूंगी और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा शेप नहीं बनाने वाली हूँ, बस जो मैं आईब्रोज के नेचुरल शेप है उसी को फिलिंग कर दूंगी। तो अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का गोल्डन शैम्पेन हाइलाइटर। तो मैं इसे बस अपने नोज ब्रिज में लगा लूंगी जिससे थोड़ा नेचुरल लगे। तो अब मैं यूज करूंगी ये ब्लश पैलेट जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था। तो अब मैं ये 3 शेड्स को मिक्स करके कस्टमाइज शेड बनाकर दो बोथ साइड में लगा लूंगी। तो मैं लास्टली लगाऊंगी ये लिप एंड चिक टिन जो कि ट्रांसपेरेंट कलर है पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पिंकिश लुक देता है। तो अब मेरा मेकअप लुक तो फाइनली खत्म हो चुका है, तो चलिए अब ड्रेस चेंज करने चलते हैं। 3, 2, 1 एंड। तो अब मैं अपना स्मार्ट वॉच पहन लूंगी एंड आई एम रेडी। तो ये है मेरा आज का OOTD और अब बताना मेरा लुक कैसा लग रहा, कमेंट से बताना। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग या फुल व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। बाय।